खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से तबाही, 20 अफराद जान बहक, बनू सबसे ज्यादा मुतासर, छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 12 जानें चली गईं। करक, लकी मरवत और दीगर शहरों में भी तूफान, स्वात में यालाबारी, फसलों को शदीद नुकसान, खुशाब, डेरा इस्माइल खान, जहलम, दीना, कुंदिया और गुजरावाला में भी जल थलेक, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद आंधी और बूंदाबांदी, इस्लामाबाद में भी रिमझिम, पारा गिर गया। कराची वाले होशियार, खबरदार, बाइपर जॉय शहर कायद से 910 किलोमीटर दूर, समुद्री तूफान के बाद हवाओं की रफ्तार 130 से 160 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने का इम्कान, कराची के साहिली इलाकों में दफा 144 नाफज, समंदर में नहाने और शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। बजट में इलेक्शन के लिए रकम मुख्तस कर दी, इंतखाबात के नकाद का फैसला ईसीपी ने करना है, नया मिजानिया रिवायती नहीं, गिरावट रुक गई, हम मुस्तहकम हैं, अहदाफ हासिल करेंगे, मिजानिया से मुतालिक कारोबारी तबके के तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए दो कमेटियां तश्कील दे दी, मुआशी तरक्की अव्वलीन तरजीह, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, मुल्क मुस्तहकम होगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसहाक डार को आइंदा साल महंगाई की शरह 21% तक महदूद रहने की उम्मीद। और माली साल 2023-24 के लिए सिंध का 2,444 अरब रुपए का बजट पेश, अखराजात का तखमीना 2,237 अरब, तरक्याती फंड्स में 78 अरब इजाफा, मुलाजमीन की तनख्वाहों में ग्रेड 1 से 16 तक 35 और 17 से ऊपर 30% इजाफा, पेंशन 17.5% बढ़ेगी, कम अज कम माहाना उजरत 35,550 रुपए कर दी गई, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस, शोबा सेहत की बेहतरी के लिए 20 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे।